हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। तो ये है करवा चौथ का पार्ट टू व्लॉग, तो मैं इसे कंटिन्यू करती हूँ। आप भी इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। थैंक यू सो मच। और मैया कोई नु कह रहे हैं कि पकौड़ी के बिना कहा कढ़ी युवा ना, जिसके कोई नुकसान दे रहे हैं तो फिर वो खाली पकौड़ी पकौड़ी खा सकता है। फोटो की खींचो, वीडियो ना बनाऊंगी अपने अपने इंस्टाग्राम पे घुमा के करते हैं। ठीक है, ये मटर पनीर की सब्जी बन चुकी है, ये पूरियां बन रही हैं। तो इधर हमारा ये खाना बन गया है, इधर मटर पनीर की सब्जी कढ़ी बन गई है, पूरी बन गई है, कुछ बट भी चुकी है, बांटने के लिए गई है। तो गया कौन है, हमारे बच्चे गए हैं। और इधर बना रही हूँ मैं पूरी। अब चांद आ गया है तो हम चांद की पूजा करते हैं, करवा चौथ का व्रत खोलते हैं। बस मम्मी तो हंस रही है। देखो कितने अच्छे हैं। कोई एक बार और फोड़ दे, मैं ऊपर का ही लूंगी। ओके ये बंद एक बार और फोड़ दे। रुको, तो मेरी पूजा हो चुकी है। और मैं जो मैंने मम्मी के लिए बयाना निकाला है उसको मैं मम्मी जी को दूंगी। और आज घर में बुआ जी और दीदी भी आई हैं, क्योंकि पापा के जाने के बाद ये पहली करवा चौथ थी, तो हमारे यहाँ आन के लिए आते हैं, आन पड़ जाएगी नहीं तो, इसलिए हमने उनको बुलाया था, वो भी आई हैं। ये है मम्मी जी। और ये यहाँ बुआ जी बैठी है और पति देव, ये है दीदी। पापा की बहुत कमी महसूस हो रही थी, बहुत ज़्यादा
बस अपने आप को कंट्रोल कर रखा था, कुछ कर भी नहीं सकते, क्या करें। बार बार फूट गए होंगे तो फिर उन्हें दे दे। ये पिछले साल की करवा चौथ की फोटो है जो हमारे पापा के साथ थी। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। थैंक यू सो मच।